हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे साइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस पे आप इजी इजी क्वेश्चंस का आंसर देकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो साइट है ये 100% जेन्युइन साइट है। इसमें आपके टोटल 4 स्टेप हैं जिसको आप इजिली फॉलो करने के बाद इजिली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप आंसर देकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, आपको गूगल पे जाके फोटो स्टडी डॉट को एक्सपर्ट, डैट में जो ये साइट है ये फोटो स्टडी डॉट को है, आपको गूगल पे लिखना है फोटो स्टडी डॉट को एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वर्ड जरूर लगाना है क्योंकि ये साइट जो स्टूडेंट भी यूज करते हैं, एक्सपर्ट लगाएंगे तो जो साइट खुलेगा एक्सपर्ट के लिए खुलेगा। वहां पे आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको फेसबुक नहीं FB ID से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो FB ID से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है आपका, उस पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। वीडियो लेक्चर में क्या बताया जाएगा? वीडियो लेक्चर में आपको वो बताया जाएगा कि ये साइट जो है, इस साइट पे आपको कैसे वर्क करना है और इस साइट का क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है उसको बताया जाएगा और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें टोटल 3 वीडियो होंगे, एक लगभग 5 मिनट का होगा, एक 14 मिनट का होगा, एक 7 से 8 मिनट का होगा। ये लोग लगभग 3 वीडियो हैं। 3 वीडियो का आपको देखने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? टेस्ट में आपने जो 3 वीडियो लेक्चर देखा है, जो आपने रूल्स और रेगुलेशन की वीडियो देखी है जो साइट के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन आपके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में से आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने आंसर देना पड़ेगा? यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है यानी आगे प्रोसीड करने के लिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का राइट आंसर देना पड़ेगा। डैट मीन्स अगर 40 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको राइट देना पड़ेगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो आप आगे के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर मान लीजिए मैंने एक बार एग्जाम दिया, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मुझे कितना टाइम चांस मिलेगा? डैट मीन्स ये क्वेश्चन जेन्युइन है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अप्लाई करा, ठीक है, मैंने एक बार दिया, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरा दो ही तो 3 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो मुझे टोटल 3 चांस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार मैंने करा, ठीक है, मेरा रॉन्ग हो गया, फिर दोबारा मैं कर सकता हूँ, फिर उसके बाद कर सकता हूँ, 3 टाइम्स आपको चांस मिलेंगे। वीडियो लेक्चर अगर आप एक बार देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा तिबारा यदि जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है। जब वीडियो लेक्चर देख लिया, आपने टेस्ट भी दे दिया, टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद जो लास्ट है आपका कि आप इनरोल हो गए हैं और यहाँ पे आप एक्सपर्ट बन गए हैं, आप वहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर इजिली दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होगी आपको कैसे अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी अर्निंग होगी और अर्निंग हमें कहाँ मिलेगी, डैट मीन्स अकाउंट मिलेगा कि पेटीएम मिलेगा कि फोनपे मिलेगा कि कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ पे, इजी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा एक्स की वैल्यू निकालिए, ये इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट क्वालिफाई करना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा होता ही है कि रह जाता है जिसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्निंग की बात करें तो $0.1 से लेकर $0.8 पर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन भेजते हैं तो $0.1 से $0.8 तक आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन का। ये आप इमेजिन करिए, अगर एक क्वेश्चन से आप इतना कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं कि हमारी जो अर्निंग होगी वो अर्निंग हम कैसे अपने पास लेंगे, यानी कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आप पेपॉल के थ्रू आप अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रोसेस हो गया आपका फोटो स्टडी डॉट को का। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो साइट है ये अमेरिका की साइट है, ऐसा कोई नहीं है कि इधर उधर की साइट है, फेक साइट है, इस पर काफ़ी लोग वर्क कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आप अप्लाई करने से पहले जाके गूगल पे इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं है मैंने बता दिया आप जाके अप्लाई कर दिए, सारी चीज़ें जेन्युइन हैं। तो जाके इस बार एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अपनी पॉकेट मनी तक की कमाई की जा सके तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा।